हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम अपने रिकॉर्डेड वॉइस को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह से उसके नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं और अपने व्यूअर्स और लिसनर्स पर एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके लिए हम क्रोम में जाएंगे और क्रोम में हम टाइप करेंगे audacity, ऑडेसिटी सर्च कर लेंगे। audacityteam.org पर जाएंगे। देखिए हम आ चुके हैं ऑडेसिटी की वेबसाइट पर। नीचे आएंगे, डाउनलोड ऑडेसिटी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। Audacity विंडोज़ के लिए यहाँ से, मैक के लिए यहाँ और लिनक्स के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो Audacity फॉर विंडोज़ हम डाउनलोड करेंगे। अभी नीचे आएंगे, Audacity 2.4.1 इंस्टॉलर को क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़े से नीचे आएंगे और Audacity विंडोज़ इंस्टॉलर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फाइल रेडी है डाउनलोड होने के लिए। डाउनलोड मैनेजर में इसे डाउनलोड करेंगे। फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है, अब इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। तब तक हम डाउनलोडर विंडोज और ब्राउजर विंडोज को क्लोज कर देते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट। क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। दोबारा नेक्स्ट क्लिक करके लॉन्च ऑडेसिटी सेलेक्ट किया हुआ रहेगा और फिनिश कर देंगे। तो देखिए हमारा ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर खुल चुका है और इसका ये पहला इंटरफेस है। तो सबसे पहले हमने एक टेस्ट ऑडियो यहाँ पे पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, अनएडिटेड है ये, और इसे हम ओपन कर लेंगे सीधे, या तो फाइल में जाके ओपन करके हम इसे कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या फिर सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए ऑडेसिटी के विंडो में। अब इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं। ये देखिए हमारा ऑडियो वेब फॉर्म है। सबसे पहले हम इसके नॉइज़ को रिडक्शन करेंगे। नॉइज़ रिडक्शन के देखिए छोटे वेब फॉर्म जो है ये नॉइज़ हैं, जहाँ जहाँ भी आपको छोटे वेब फॉर्म में जा रहा है ये सारे नॉइज़ हैं। आपको करना क्या है, एक छोटा सा हिस्सा नॉइज़ का सेलेक्ट कर लेना है। मैं आगे वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाकर नॉइज डिटेक्शन में जाएंगे और गेट नॉइज प्रोफाइल को क्लिक कर देंगे। नॉइज प्रोफाइल हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसको सारे कंप्लीट वेब फॉर्म पर इसको इफेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल ए दबाएंगे और फिर इफेक्ट में जाएंगे, नॉइज डिटेक्शन में जाएंगे और ओके दबाएंगे। देखिए इससे हमारा नॉइज काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी नॉइज बाकी है। तो इसके लिए फिर से हम इफेक्ट में जाएंगे, नॉइज डिटेक्शन में जाएंगे, एक बार और ओके कर देंगे। देखिए हो चुका है, लेकिन अभी भी गया नहीं है, छोटे छोटे वेब फॉर्म देखिए अभी भी मौजूद है। फिर से एक बार इफेक्ट में जाएंगे, नॉइज डिटेक्शन में जाएंगे और ओके दबा देंगे। अब देखिए कंप्लीट स्ट्रेट लाइन आ चुका है, का मतलब नॉइज हमारा ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। अब हम इसके इन्हेंसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियो कंप्लीटली सेलेक्ट होना चाहिए, कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट रखिएगा। इफेक्ट में जाइएगा, सबसे पहले कंप्रेसर सेलेक्ट करिएगा और इसे सेटिंग्स को एज इट इज रहने दीजिए और ओके दबा दीजिए। देखिए हमारा ये कंप्रेसर इस पर अप्लाई हो चुका है। अब हमें फिर से इफेक्ट में जाना है, फिल्टर कर्व में जाना है, प्रीसेट्स में जाके बैस बूस्ट सेलेक्ट करके ओके दबा दीजिए। बैस बूस्ट हो चुका है। इसके बाद हम ट्रेबल बूस्ट करेंगे, फिर से इफेक्ट में जाएंगे, फिल्टर कर्व में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, प्रीसेट्स में जाएंगे और ट्रेबल बूस्ट सेलेक्ट करके ओके दबा देंगे। ट्रेबल बूस्ट हमारा हो गया, बेस बूस्ट हो गया, कंप्रेशिंग हो गया। अब लास्ट स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन का। फिर से इफेक्ट में जाएंगे, नॉर्मलाइज में जाएंगे, सेटिंग्स वैसे ही हर जगह रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, ओके दबाएंगे। हमारा ऑडियो नॉर्मलाइज हो चुका है। अब हमारा ऑडियो इन्हेंस हो गया है, नॉइज रिमूवल हो चुका है। ज़्यादा नॉइज रिमूवल भी सही नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारा जो मेन स्पीच वेव होता है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है।
अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और इस ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट ऑडियो में जाएंगे, एडिटेड अनएडिटेड को हटा देता हूँ मैं ताकि डिस्टिंग्विश हो सके। वेवफॉर्म जो सिलेक्ट करना है आप कर लीजिए, आउटपुट का मेरा जो ओरिजिनल वेव है तो वेव ही मैं रहने देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। देखिए एक्सपोर्टिंग हो गया ऑडियो का। अब इस प्रोजेक्ट को चाहे तो आप सेव कर सकते हैं फाइल में जाकर, या फिर ज़रूरत नहीं है तो क्लोज कर दीजिए। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, नो सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए दोनों वेब फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, अनएडिटेड और एडिटेड। सबसे पहले मैं आपको अनएडिटेड सुनाता हूँ और फिर एडिटेड सुनाता हूँ ताकि आपको फ़र्क महसूस हो। ये रहा आपके पास ऑडियो, टेस्ट ऑडियो अनएडिटेड। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शो यू हाउ टू क्लीन नॉइज एंड एनहांस योर ऑडियो यूजिंग Audacity सॉफ्टवेयर, विच इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्री टू डाउनलोड फ्रॉम Audacity's वेबसाइट। लेट्स सी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो देखा आपने, इसमें काफ़ी नॉइज़ है। अब इसे हमने इन्हेंसमेंट कर लिया है, नॉइज़ क्लीनिंग कर लिया है। अब हम अपने जो एडिटेड ऑडियो है उसको चलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शो यू हाउ टू क्लीन नॉइज एंड एनहांस योर ऑडियो यूजिंग Audacity सॉफ्टवेयर, विच इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्री टू डाउनलोड फ्रॉम Audacity's वेबसाइट। लेट्स सी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो देखा आपने कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है दोनों ऑडियो में। तो आप इस तरह से Audacity यूज़ करके अपने ऑडियो को एनहांस करिए और YouTube या अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस तुरंत मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।